प्रीतम लोधी जी ने एक अप्रीतम वाक्य बोला है। अब लोधी साहब को क्या भारत के विभाजन का नशा चढ़ गया है, मैं आज उनको खुली चुनौती दे रहा हूँ, शस्त्र के बल पर नहीं शास्त्र के बल पर वो मुझसे चर्चा कर लें। बागेश्वर धाम के जो अधिपति हो मेरे ही शिष्य हैं, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। उन्होंने जो कुछ कहा है बहुत अच्छा कहा है। एक कोई महिला भी बोल रही थी, अब महिलाओं को तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि ब्राह्मण से इतनी चिढ़ क्यों, क्या बिगाड़ा है ब्राह्मण ने। वाल्मीकि जी ब्राह्मण ही थे, जन्म मात्र द्विजत्व में अध्यात्म रामायण। 2 महीने के लिए मैंने कथा का व्रत लिया, क्या ले रहा हूँ, किसी से 1 पैसा ले रहा हूँ क्या? पर इस कथा का कितना दूरगामी परिणाम होगा लोधी जी 7 जन्म में नहीं समझ सकेंगे। बागेश्वर धाम के अधिपति धीरेन्द्र शास्त्री का 100% नहीं 1000% समर्थन कर रहा हूँ। जो महिला कह रही थी अहंकार, उसके महिलाओं को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर मैं कह सकता हूँ बेटी आके थोड़ा मुझसे पढ़ लो, अभी तुम शास्त्र का कख भी नहीं जानती हो। कथावाचकों को गाली नहीं देनी चाहिए। प्रीतम लोधी जी ने एक अप्रीतम वाक्य बोला है, माने मेरी दृष्टि में सभी हिंदू एक हैं और सभी वर्णों में कोई भी अपवित्र या पवित्र नहीं, सब चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों वर्ण ही भगवान के पुत्र हैं। किसी को भी किसी से कम बेसी नहीं कहा जा सकता, ये मेरी नहीं शास्त्र की मान्यता है। और मैं कई बार कह भी चुका हूं कि शूद्र को ब्राह्मण से छोटा नहीं समझा जा सकता, मैं तो कह रहा हूं। जब चरण से निकलकर गंगा जी पवित्र हो सकती हैं, तो चरण से निकला हुआ शूद्र अपवित्र क्यों हो जाएगा? ये ब्राह्मण का ही तो वाक्य है, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य जद वैश्य प्रभागम शूद्रो अजायत। तो मैंने तो कभी हिंदुओं में भेदभाव माना नहीं। अब लोधी साहब को क्या भारत के विभाजन का नशा चढ़ गया है, मैं आज उनको खुली चुनौती दे रहा हूं, शस्त्र के बल पर नहीं शास्त्र के बल पर वो मुझसे चर्चा कर लें। और बागेश्वर धाम के जो अधिपति हो मेरे ही शिष्य हैं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। उन्होंने जो कुछ कहा है बहुत अच्छा कहा है। एक कोई महिला भी बोल रही थी, अब महिलाओं को तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आज 2-4 बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। पहली चर्चा मैं ये कर रहा हूं कि ब्राह्मण से इतनी चिढ़ क्यों, क्या बिगाड़ा है ब्राह्मण ने। जो लोग चिल्ला रहे हैं वाल्मीकि जी को, जो कुछ करना हो कर लेना, मैं कह रहा हूं वाल्मीकि जी ब्राह्मण ही थे, जन्म मात्र द्विजत्व में अध्यात्म रामायण। श्री राम कथा, ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो गोमुख से लेके गंगा सागर तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत को एक करने का व्रत रखता है। विभाजन कहां ब्राह्मण ने कराया? महापद्मनंद के चंगुल से इस भारत को किसने छुड़ाया था? क्या लोधी जी को इतना ज्ञान है?
चाणक्य ने, और चाणक्य कौन थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण से चाणक्य। पूरे इतिहास को देख जाइए, जब जब आतंकवादियों के अत्याचार हुए तब तब ब्राह्मण ने ही आतंकवादियों से लोहा लिया। कृतयुग में जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ा तो नारद जी ब्राह्मण थे, नारद जी ने ही प्रहलाद को आतंकवाद से लोहा लेने के लिए सजग किया। त्रेता में रावण से सामना करने के लिए श्री राम को तैयार किसने किया था? ब्राह्मण ने। वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने, अगस्त जी ने, नारद जी ने, याज्ञवल्क जी ने, भरद्वाज जी ने, अत्र जी ने, सुतिक्ष्ण जी ने, अगस्त जी ने, इस प्रकार श्री राम को अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए ब्राह्मण ने प्रेरणा दी थी। द्वापर में कंस से विरुद्ध लड़ने के लिए नारद जी ने भगवान कृष्ण को प्रेरणा दी थी और वेद व्यास जी ने। कलयुग में मैं बात कर ही रहा था, महापद्मनंद के वंश को नष्ट करने का बीड़ा चाणक्य ने ही उठाया था। इधर चलिए, मुगलों के अत्याचार से जब सिकंदर लोधी के अत्याचार से जब भारत त्राहिमाम कर रहा था तो एक ब्राह्मण सन्यासी त्रिदंडी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने हिंदुओं को जजिया कर से मुक्त करवाया था, 12 शर्तों से मुक्त करवाया था। जब मुगलों का अत्याचार हुआ तब गोस्वामी तुलसीदास जी भी ब्राह्मण थे, श्री राम कथा लिखकर भारत में, परतंत्र भारत में स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम बिगुल गोस्वामी तुलसीदास जी ने बजाया था। प्रथम शंखनाद फूंका था गोस्वामी तुलसीदास जी ने। शिवाजी जैसे सूरवीर को समर्थ गुरु रामदास जी ने औरंगजेब से लोहा लेने के लिए सामर्थ्यवान बनाया, वो ब्राह्मण थे। जब बिहार के नालंदा, उधर अब तो पाकिस्तान में चला गया तक्षशिला, इन दोनों विश्वविद्यालयों को मुसलमानों ने जलाया तो सारे ग्रंथ कंठस्थ किए ब्राह्मणों ने। अपनी जांग को फाड़ फाड़ कर उसके अंदर पुस्तकें रखी ब्राह्मणों ने। जो आज हमको जो मिल रहा है ये ब्राह्मणों की, ब्राह्मण की ही देन है। स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ,
इतिहास को इतिहास के पन्ने उलट कर देखो लोधी, मूर्ख चक्र चूड़ामणि, स्वतंत्रता अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन और स्वतंत्र भारत के आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था तुम्हें पता है? जिनके लिए कहा जाता है आज चारुशीला जी सोचती हूँ कि गुरु जी को गुस्सा आ गया है, ऐसा नहीं है, मुझे ना चारुशीला जी से थोड़ा डरता हूं। एक वाक्य हमने आपने प्राइमरी में पढ़ा होगा, बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी और आगे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। वो झांसी वाली रानी कौन थी? वो ब्राह्मण कन्या थी। ब्राह्मण कन्या थी, ब्राह्मण कन्या थी। ब्राह्मण कन्या का यही आदर्श है, शांत रहने पर हाथ में चूड़ी पहन लेती है और क्रांत के समय हाथ में चूड़ी उतार कर कटार ले लेती है। और अंग्रेजों के विरुद्ध मेरठ में प्रथम शंखनाद किसने किया था स्वतंत्रता का? वो ब्राह्मण ही तो थे, उनका नाम जानते तो होंगे लोधी साहब को, है ज्ञान कि नहीं, भगवान जाने किस नशा में वो चूर हैं। मंगल पांडेय, मंगल पांडेय, और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह मंत्र किसने दिया था ये कदाचित लोधी साहब को नहीं पता होगा, वो ब्राह्मण थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और जिनकी बंदूक की झंकार सुनकर अंग्रेजों का दिल मन दहल गया था, वे थे ब्राह्मण, एक हाथ जिनकी मोछ पर और दूसरे हाथ में बंदूक और यज्ञोपवीत, वे थे आजाद चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजाद। जिनके लिए कहा जाता है यदा यदा वेत्रलता प्रहारम तस्मिन् सकोपो नुचरश्चकार तदा तदा सिंहरवेण बालो वीरो जगर्ज बालो जय भारते थी। सभी उनको पंडित जी कहते थे। ब्राह्मण के को गाली दोगे? मैं किसी पार्टी की चर्चा नहीं कर रहा हूं, भारत में एक और चाहे जो भी रहा हो, गलती तो बहुत की नेहरू जी ने, विभाजन करवा दिया देश का, पर एक बात उनकी थी कि नेहरू जी के पैसे से ही भारत के बैंक का प्रारंभ हुआ था। और एक रुपए लेते थे वो, 17 वर्ष प्रधानमंत्री रहे केवल 1 रुपए लेते थे, वे भी ब्राह्मण थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और लोधी जी को यह ज्ञान नहीं है भी
इस समय के थल सेनाध्यक्ष भी ब्राह्मण ही हैं। इस समय हमारी भारत की सब विश्व की सबसे बड़ी जो स्थल सेना है, स्थल सेना सबसे सशक्त माना जाता है उसको, उस सेना के अध्यक्ष भी ब्राह्मण है इस समय, मनोज पांडेय। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी को भी किसी वर्ण की निंदा नहीं करनी चाहिए, हम सब हिंदू एक हैं। यदि कथावाचक न होते, श्री राम कथा श्री कृष्ण कथा ने क्या नहीं किया, इस देश को बचा के रखा कथा ने और कथावाचकों ने। कथा प्रवचन से लाखों लोग सुधर जाते हैं, मदिरा छूट जाती है, मांस छूट जाता है, चरित्रहीनता छूट जाती है, गलत संगति छूट जाती है, सिगरेट छूट जाता है, यहाँ तक कि ड्रग्स जैसे नशे भी कथा के प्रभाव से छूट जाते हैं। तुम तो लूट खसोट कर खाते हो कथावाचक, हम लोग क्या खाते, क्या लेते किसी से। दो महीने के लिए मैंने कथा का व्रत लिया, क्या ले रहा हूं किसी से, एक पैसा ले रहा हूं क्या। पर इस कथा का कितना दूरगामी परिणाम होगा लोधी जी 7 जन्म में नहीं समझ सकेंगे। इसे मैं अपने सुयोग्य शिष्य बागेश्वर धाम के अधिपति धीरेन्द्र शास्त्री का 100% नहीं 1000% समर्थन कर रहा हूं। जो महिला कह रही थी अहंकार, उसके महिलाओं को तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, पर मैं कह सकता हूं बेटी आके थोड़ा मुझसे पढ़ लो, अभी तुम शास्त्र का कख भी नहीं जानती हो। धीरेन्द्र शास्त्री को अहंकार नहीं, गुरु का अहंकार है उसको। दो स्वाभिमान होने चाहिए, गुरु का स्वाभिमान और गोविंद का स्वाभिमान। ये होना चाहिए कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई गुरुदेव नहीं और हमारे भगवान जैसा कोई भगवान नहीं। इसलिए उन्होंने मसलने की बात कही, ठीक है, वो तो अपने आप मसल दिए गए, इतना पाप कर दिया है लोधी जी ने कि जीवन में वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जिस मध्य प्रदेश में रहते हैं वे, जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी तो प्रथम मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण ही था, रविशंकर शुक्ला। फिर मैं कह रहा हूं हिंदू धर्म में किसी जाति, जातियां हैं पर जातिवाद नहीं है, मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूं। पर मैं जिस सिंहासन पर बैठा हूं, जब भी अन्याय होगा, अब परसों दरसों एक मेरे निकटतम सहयोगी ने गलत कह दिया था तो भी मैंने आलोचना की थी, कोई संकोच नहीं। जब उन्होंने भगवान कृष्ण को सालाय और बेवकूफ कहा तो मैंने कठोरतम आलोचना की थी। इसलिए कथा से समय नहीं बर्बाद होता प्यारे, समय बर्बाद होता है वीडियो गेम खेलने से, समय बर्बाद होता है मोबाइल से, समय बर्बाद, आप शब्द मत बुलवाओ, समय बर्बाद होता है थिएटर में गंदे गंदे फिल्मों को देखने से,
समय बर्बाद होता है अपनी पत्नी के अतिरिक्त कुलटा नारियों के संपर्क से। हम लोग समय बर्बाद नहीं करते, हाँ बर्बाद करते हैं, हम तुम्हारी बात मान रहे हैं। वरह वाद यस्मिन स बर्बाद, जिसमें सुंदर वाद होता है उसे बर्बाद कहते हैं। हम मान लेते हैं। विचार ब्राह्मण देता है, शुद्ध ब्राह्मण। हां अशुद्ध ब्राह्मण को मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं अभी भी। हमारे यहां तो जब ब्राह्मण कर्तव्य से च्युत हो गया तो उसका पुतला जगत जलाया गया, क्या रावण का पुतला नहीं जलाया गया? जो ब्राह्मण मांस मछली खाता है, मदिरा पीता है, कितना पवित्र ब्राह्मण हो। अब मैथिल लोग तो हमारे समधी हैं, बहुत अच्छा हमारा उनका संबंध है, पर क्या हमने उनकी कभी मांस मछली और मदिरा का समर्थन किया? कभी नहीं किया। कभी नहीं किया। ब्राह्मण पूज्य है, पर यदि कर्मनिष्ठ हो तो ब्राह्मण दिशा बदल देता है। मित्रों फिर कह रहा हूं, झूठ बोलते हैं वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण थे वाल्मीकि। अब ब्राह्मण होकर वाल्मीकि कितने निष्पक्ष क्षत्रिय श्री रामचंद्र जी के गुणगान गाया, इसका अर्थ हिंदू धर्म में जातियों का स्थान है पर जातिवाद का स्थान नहीं है। ब्राह्मण होकर वशिष्ठ जी ने निषाद को गले से लगाया, भगवान राम ने निषाद को गले से लगाया, कोल किरातों से मित्रता की, यहां तक शबरी जी भिल्ल कन्या को अपनी मां बनाया भगवान राम ने। और दुर्योधन का मेवा त्याग कर भगवान कृष्ण ने विदुर जी के यहां साग खाया, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खाए। ऐसे वक्तव्य कभी भी नहीं देने चाहिए। और मैं उस बेटी से भी कहूंगा, और कुछ तो कह नहीं सकता, कभी कभी बेटी भी दुष्ट हो जाती है तो बाप को सिर झुकाना पड़ता है। जो वक्तव्य उसने दिए ठीक नहीं किया, पढ़ा नहीं विषय को। मैं आधिकारिक व्यक्ति हूं, सामान्य नहीं, मैं खुद स्वयं कह रहा हूं कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री का शिष्य हूं, जाओ और बहुत हट करोगे तो मान हानि का अब अभियोग भी मैं चलाऊंगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कुछ कहा मर्यादा के अनुकूल कहा, कुछ भी विरुद्ध उसने नहीं कहा। इसे ऐसे वक्तव्य कभी नहीं देने चाहिए। क्या ब्राह्मण तुम्हारा बिगाड़ रहा है? निंदा करके क्या लाभ पाओगे? तुम्हारे यहां कब हम भीख मांगने गए? स्वमेव ब्राह्मणो भुंगते स्वम चैव स्वम बसते स्वम ददाति च आनृशंस्याद् ब्राह्मणस्य भुंजते चेतरे जना। ब्राह्मण अपना ही भोजन करता है, ब्राह्मण अपने ही वस्त्र पहनता है, ब्राह्मण अपना ही दान देता है। कुछ लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने रामानुजाचार्य की निंदा की, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं किसी आचार्य की निंदा कर ही नहीं सकता, न करता हूं। अब जो लोग मेरी प्रतिभा को नहीं सहन कर पा रहे हैं तो कुछ न कुछ कुतर्क करते रहते हैं। अब रामानंदाचार्य का झंडा जब लहर रहा तो लहर रहा, उद्दिग्ध दिगंत में लहरेगा ही लहरेगा।
रामानंद, मैं ही एक ऐसे संप्रदाय का आचार्य हूं जहां सबको गले से लगाया गया, जहां ब्राह्मण को भी गले से लगाया गया, अनंतानंद को, सुखानंद को, सुरसुरानंद को, जहां क्षत्रिय को भी गले से लगाया गया पिता पीपा जी को, जहां वैश्य को गले से लगाया गया धना जी को, और जहां शूद्र को गले से लगाया गया सेन जी को और रैदास जी को और कबीरदास जी को। इसलिए आज मैं दो तीन बातें विनम्रता से कह रहा हूं। पहली बात, किसी वर्ण विशेष की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, सभी हिंदू एक हैं, यही हिंदू एकता महाकुंभ में हमने कहा था, चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हो, एक न एक हो। तीसरी बात, कथावाचकों को भी, कथावाचकों को गाली नहीं देनी चाहिए। श्री राम कथा श्री कृष्ण कथा ने ही भारत को स्वतंत्र कराया, गांधी जी भी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कहते थे, और पांचों मंत्र गांधी जी ने रामचरितमानस से लिए जो ब्राह्मण की रचना है। रघुपति करण चहो रघुपति गुण गाना गुण गाहा, रघुपति चरण उपासक जीते, राघव उरधरि राघव चरण जुग जो बंदत अजीश, राजा राम अवध रजधानी, पतित पावन जास पतित पावन बड़बाना, सीताराम सीताराम चरणरति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अतएव मेरे वक्तव्य का आज इतना ही सारांश है, मैं उत्तेजना में नहीं कह रहा हूं कि ब्राह्मण के उपकार को नहीं भुलाया जाना चाहिए। आज मंगल पांडे न रहे होते लोधी साहब तो आप परतंत्र भारत में होते। मंगल पांडे और महारानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग, गोविंद बल्लभ भाई पट, गोविंद गोविंद बल्लभ पंत, हमारा सेनाध्यक्ष ही ब्राह्मण है, क्या करोगे, मनोज पांडे, तो ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिए। जिससे हिंदू समाज में विघटन हो उसके विरोध में जो कुछ धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, मैं उनके वाक्य का पूर्णतः समर्थन करता हूं, बहुत अच्छा कहा, शत प्रतिशत नहीं मैं 1000% समर्थन करता हूं उनका, आशीर्वाद दे रहा हूं कि बेटा इसी प्रकार सिंह के बेटे हो, सियार के बेटे नहीं, इसी प्रकार गर्जा करो।